ब्राह्मण सभा कठुआ प्रोग्राम कर रही है बच्चों को सम्मानित करने का। जिन बच्चों ने ब्राह्मण समाज से बच्चों ने अच्छे अंक लिए हैं या खेल में अच्छे नंबर लिए हैं या IAS किया है, IPS किया है, कश्मीर सर्विस किए हैं, IFS किया है या डॉक्टर की डिग्री की है, अच्छे नंबरों में उन ब्राह्मण परिवार के बच्चों को ब्राह्मण सभा सम्मानित करेगी। ये प्रोग्राम हमने रखा हुआ है जो शनिवार 8 अप्रैल को होगा, 11 बजे शुरू होगा। इसमें मेन जो है हमारे चीफ गेस्ट हमारे ही शहर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रहने वाले BR शर्मा जी, जो यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और इस यूनियन गवर्नमेंट में एज ए चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, वो मेन रहेंगे गेस्ट, चीफ गेस्ट होंगे, वो उन्हीं के कार्यक्रमों से ये सम्मान होगा। प्रोग्राम ये 8 अप्रैल को 11 बजे शुरू होगा और दोपहर को 2 बजे समापन होगा। कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? 25 हमारे हिसाब से तो कोई 25-26 बच्चे हैं, देखते हैं कितने आते हैं। सबको हमने आमंत्रित किया हुआ है, वो सब आने हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया है। आप सब लोगों से, अपने ब्राह्मण समाज के सदस्यों से और भी लोगों से प्रार्थना है कि इस मौके पर आके हमारे साथ शामिल हों और बच्चों को आशीर्वाद दें ताकि वो ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करें। इसके साथ ही यहाँ हर की तरह परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसका प्रोग्राम शुरू होगा 16 तारीख एतवार को भागवत कथा से। हमारे आदरणीय सुभाष शास्त्री उसमें मेन वक्ता होंगे और ये प्रोग्राम 16 से एतवार से 22 अप्रैल तक चलेगा। 22 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा होगी, इसमें सब परिवारों से, सब भक्तों से, सब सज्जनों से प्रार्थना है कि वो अपने व्हीकल लेके, जैसे भी उनके पास हैं गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कारें, उसमें अपने परिवार के साथ मिलकर हमारे साथ शामिल हों और इस शोभा यात्रा में हिस्सा लें और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद लें।